इस वीडियो को शूट करने के लिए मेरे को लगा था कि कम से कम एटलीस्ट जो एक मंथ का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पहला इंस्टॉलमेंट नहीं कट जाता मैं आपको प्रूफ नहीं दे सकता था कि बैंक जो है डेबिट कार्ड EMI पे कैसे इंस्टॉलमेंट को कट करती है। लेकिन जब पहला इंस्टॉलमेंट कटा तो वो काफ़ी ज़्यादा था, तो मेरे को लगा कि ये पहला इंस्टॉलमेंट कटा तो हो सकता है मे बी कुछ चार्जेस लगा के ये लोग काटे होंगे पहला इंस्टॉलमेंट, तो इसीलिए मैंने इंतजार किया दूसरे इंस्टॉलमेंट के कट होने का कि जब तक दूसरा इंस्टॉलमेंट कट नहीं हो जाता है प्रूफ नहीं मिलेगा कि बैंक जो है कितना ज़्यादा आपसे चार्जेस लेती है, क्या जो बोला जाता है 0% डाउन पेमेंट आपको EMI दिया जाता है क्या ये सही है या नहीं है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कटने के बाद ही मेरे को इसका अंदाजा लगा, तो आज इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरा आपको क्लियर कर देंगे कि अगर आप डेबिट कार्ड का EMI लेते हो तो आपको जो है यहां पे कैसे इंस्टॉलमेंट यहां पे पेड करना पड़ता है। सो हे गाइस, दिस इज कैफिन वाचिंग टेक्निकल कैफ YouTube चैनल। सो बेसिकली गाइस, आज पूरे डिटेल में आपको कवर कर देंगे इंस्टॉलमेंट के बारे में डेबिट कार्ड का। सो प्लीज वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और लेटेस्ट ऑफर के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं ये वीडियो पार्ट टू है, पार्ट वन आपको सबसे पहले देखना होगा, तब जाकर के आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि पार्ट वन में क्या हुआ है कि मैंने आपको एक लाइव यहां पे सैमसंग का फोन परचेस करके दिखाया है डेबिट कार्ड EMI पे, सारा प्रोसेस बताया कि कितना इंस्टॉलमेंट बना था, कितना हमें पेड करना पड़ा, कैसे वहां पे पैसा कटा था। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इस वीडियो को यहीं पे छोड़िए, आप सबसे पहला पार्ट को यहां पे देखिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैं आपको लिंक देता हूं, उस वीडियो को देख करके उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी जाकर के आपको सारा कुछ यहां पे समझ में आएगा। तो पहले पार्ट में हमने आपको छोड़ा था कि हमने यहाँ पे फोन परचेस कर लिया है, लेकिन उस समय रिसेंट में हमारे से कोई भी पैसा यहाँ पे कट नहीं किया गया था। अब देखिए उसके बाद के मैं यहाँ पे सिचुएशन आपको बताता हूँ। देखिए, फोन हमारा यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया, शिफ्ट भी हो गया, घर में डिलीवर्ड भी हो गया, फोन को मैं यूज भी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहा कि हमारे बैंक अकाउंट से उस समय तक भी एक रुपया यहाँ पे डेबिट नहीं हुआ था, यानी कि कोई पैसा भी नहीं कट हुआ था, फोन भी डिलीवर्ड हो गया था। फिर मैंने सोचा कि यार हमारे बैंक की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं कि आपका लोन यहाँ पे लिया गया है, कोई भी मैसेज नहीं था और ना ही कोई पैसा यहाँ पे कटा हुआ था। फिर दो तीन दिन के बाद अचानक मैं देखता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट से जो है पूरा का पूरा पैसा काट लिया जाता है, यानी कि जितना का फोन था 12,000 समथिंग का फोन था, मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे स्टेटमेंट में आप देख सकते हो, स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा यहाँ पे पैसा कट गया। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो EMI भी बना हुआ है तो एक साथ ही पूरा पैसा क्यों कट गया। तो फिर मैंने इसको कंफर्म करने के लिए अपने ब्रांच में जो है फोन लगाया। ब्रांच में फोन लगाने के बाद वहां पे एक मैम ने फोन पिकअप किया, उसके बाद फिर उनसे जो बात हुआ मैं उसको कॉल रिकॉर्ड कर लिया हूं। तो आप जो है पहले ये कॉल रिकॉर्डिंग को अच्छी तरीके सुन लीजिए, फिर आपको यहां पे समझ में आएगा कि पूरा का पूरा पैसा हमारे अकाउंट से क्यों काटा गया, जबकि हमने डेबिट कार्ड में EMI पे लोन यहां पे लिया हुआ था। तो चलिए सबसे पहले ये कॉल रिकॉर्डिंग को यहां पे सुन लीजिए। इफ अगर मान के चलो मैं 2 लाख का कोई सामान परचेस कर लेता हूं और मेरे अकाउंट में पैसा अगर नहीं होगा 2 लाख रुपए, तो फिर वो कैसे होगा? नहीं, वो नहीं हो पाएगा। अगर 2 लाख रुपए नहीं है तो फिर हमारे अकाउंट में ऑफर्स आता है। अच्छा, या फिर पेपर फाइनेंस होता है। अच्छा, जैसे कि डेबिट कार्ड EMI में ये मतलब होता ही है कि वो उतना अमाउंट एक बार कटता ही है, ये प्रोसेस है ना? वो ऐसे ही होता है, अगर ऑफर रहता है ना तो फिर वो अमाउंट कटने का फिर नहीं होता है। अच्छा, अगर आपके अकाउंट में अगर ऑफर रहेगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल आप कुछ भी इतने का ले सकते हैं तो फिर वो प्रोसेस नहीं है। लेकिन अगर हाँ ऑफर नहीं है तो इधर आपको 2 ऑप्शन होता है, या तो आप पेपर फाइनेंस करवा सकते हैं 0% इंटरेस्ट में, जी जी, और नहीं तो फिर वही है कि बैलेंस रखना होगा फिर वहाँ से कटेगा। लेकिन वो 2 लाख रुपए ऐसा क्या लेना है आपको, कौन सा प्रोडक्ट लेना है? नहीं, मैं ऐसे ही नॉलेज के लिए ले रहा था, जैसे कि अभी मैंने लिया तो मेरा एक बार कट गया तो मैंने सोचा कि ठीक है, वो तो हर बार ऐसा नहीं होता, आपको ऑफर नहीं होगा। अच्छा अच्छा, हाँ, इन केस अगर उतना बैलेंस नहीं रहता तो वो EMI नहीं हो पाएगा, वो मैं जानना चाह रहा था बस। तभी आपने यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे सुन लिया, तो आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया होगा कि जब तक आपके अकाउंट में जो है इतना पैसा अमाउंट नहीं रहता है जितने का आपने डेबिट कार्ड पे लोन बनवाया है, तब तक आपको यहाँ पे लोन EMI नहीं मिलता है, अंटिल अनलेस जब तक आपके अकाउंट पे वो ऑफर नहीं हो, नहीं तो आप जो है पेपर फाइनेंस जब तक बैंक में नहीं करवाते हो आपको ये ऑफर नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ में आपको एकदम क्लियर हो गया। बैंक के ब्रांच में मैंने आपको फोन करवा के यहाँ पे बता दिया कि देखिए ये सिचुएशन होता है कि जब तक अकाउंट में उतना पैसा नहीं है आप जो है डेबिट कार्ड EMI को यहाँ पे नहीं ले सकते हो। अब देखिए उसके बाद सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। पैसा हमारे अकाउंट में कटा, लेकिन जैसे यहां पे पैसा कटा 2-3 दिन के बाद मैंने देखा कि उतना पैसा फिर वापस आ गया, यानी कि जितना कटा था उतना फिर वापस मेरे को अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। तो देखिए ये सिचुएशन अभी आप समझिएगा, पैसा पूरा का पूरा कटा लेकिन 2-3 दिन के बाद पूरे पैसा को यहां पे हमारे बैंक अकाउंट में भी दे दिया गया है। अब देखिए उसके बाद अब खेल यहां पे ये रहा कि इंस्टॉलमेंट कैसे कटता है वो आपको यहां पे बताते हैं। उसके लिए देखिए यहां पे आपको समझना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट जैसे कटा उसका मैं आपको यहां पे
अपना स्टेटमेंट ही दिखा रहा हूँ इंस्टॉलमेंट कैसे कटा है। तो देखिए सबसे पहला इंस्टॉलमेंट कटा है वो हमारा देखिए 5 तारीख को कटा है, वो आपका 2249.30 रुपये समथिंग यहाँ पे कटा है। देखिए 5 तारीख को हमारा पहला इंस्टॉलमेंट गया है 5/3/2020 को, जो कि गया है 2249 रुपये समथिंग यहाँ पे गया है। अब देखिए 2249 रुपये हमारा यहाँ पे नहीं कटना चाहिए, क्योंकि आप देखिए अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करें तो हमने जो फोन लिया था यहाँ पे देखिए 12,999 रुपये कहा था, लेकिन डिस्काउंट करके जो है EMI डिस्काउंट करके 12,413 रुपये समथिंग का बना था। तो ये 12,413 क्यों बना था वो आपने पहले पार्ट पे तो देख ही लिया है। तो उस हिसाब से हमारे अगर जो है इंस्टॉलमेंट कटना चाहिए तो वो कटना चाहिए 2,166 रुपये, जो कि 6 मंथ के हिसाब से जाएगा, तब जाकर के हमारा जो है 12,999 रुपये होगा। तो उस हिसाब से हमारा पहला इंस्टॉलमेंट 2166 रुपये यहाँ पे कटना चाहिए, लेकिन कटा कितना आप यहाँ पे देख सकते हो 2249 रुपये कटा। तो 2249 कटा, तो फिर मेरे को यहाँ पे समझ में आया कि ये 2249 कटा तो कटा क्यों, फिर मैंने इसका डिटेल यहाँ पे निकाला है। तो डिटेल निकालने के बाद मेरे को ये एनालाइज हुआ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अगर देखिए हम लोग कैलकुलेटर हमें निकाल करके यहाँ पे आपको बताते हैं, तो 2166 रुपये समथिंग का पहला इंस्टॉलमेंट बनता है। अब देखिए 2166 रुपये का बनता है, तो अगर 2166 * हम लोग 6 करते हैं तो जाकर के ये पूरा फोन का प्राइस हमारा निकलता है 12,999 रुपये समथिंग यहाँ पे निकलता है। तो अगर हम लोग 2166 में अगर हम लोग जो है प्रोसेसिंग फी अगर मान के चलिए 99 रुपये प्लस करते हैं तो हमारा ये 2565 रुपये समथिंग का आता है, जो हमारा देखिए यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट करता है उस हिसाब से यहाँ पे लगता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2249 रुपये समथिंग कटा है, अगर लेकिन इसमें प्रोसेसिंग फी हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये समथिंग हमारा जो है यहाँ पे 2249 आ जाता है। तो इससे ये चीज पता चला कि पहला इंस्टॉलमेंट जब आपका कटेगा तो उस पर आपको बैंक जो है समथिंग 99 रुपये का प्रोसेसिंग फी यहाँ पे जोड़ेगी, जो कि आपको इस वीडियो में क्लियर कट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। लेकिन आपको बताना चाहेंगे जब हमारा दूसरा इंस्टॉलमेंट का स्टेटमेंट आया, तो देखो यहाँ पे आया है वह है जो कि आपका 5/4/2020 को आया है, तो वो स्टेटमेंट है हमारा 2166 रुपये का समथिंग का। तो ये एकदम करेक्ट कटा, दूसरा महीना का जो इंस्टॉलमेंट कटा है वो एकदम करेक्ट है। देखिए 2166 कटा है, तो 2166 के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं 6 मंथ में तो ये हमारा पूरा फोन का प्राइस निकलता है, जो कि 12,996 रुपये होता है, जो कि 12,999 मान के चलिए। तो ये हमारा जो है फाइनल अमाउंट कटा है, जो कि मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो कि हमें अमेजोन ने यहाँ पे बना के दिया था। देखिए यहाँ पे क्लियरली बोल दिया था अमेजोन कि आपका जो है कार्ड से 6 मंथ में जो है 2166.50 रुपये यहाँ पे कटेगा, जो कि आपको यहाँ पे डिटेल बता दिया गया था। तो लेकिन कटा कितना था, वो पहला हमारा अमाउंट ज्यादा कट गया था, जो कि हमने अज्यूम करके चला कि यहाँ पे 99 रुपये का बैंक ने प्रोसेसिंग फी जोड़ा है तभी जाकर ये कटा है। लेकिन दूसरा इंस्टॉलमेंट जो कटा है वो एकदम करेक्ट कटा, तो इससे हम लोग ये अज्यूम लगाते हैं कि और जो है 5 मंथ का जो कटेगा यानी 4 मंथ का और कटेगा वो हमारा 2166 रुपये ही आएगा, और 0% के हिसाब से हमारे फोन का जो है 2166 * हम लोग 6 करते हैं तो हमारे फोन का जो है पूरा प्राइस जो है निकल जाता है, जो कि 12,999 रुपये होता है। तो ये चीज एकदम क्लियर कट हो जाता है कि बैंक आपसे प्रोसेसिंग फी 99 रुपये समथिंग का जोड़ती है। ये HDFC बैंक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, HDFC बैंक 99 जोड़ा है तो ICICI समथिंग 199 जोड़ता है, और SBI कोटक का मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन अलग अलग बैंक जो अलग अलग अपने प्रोसेसिंग फी को यहाँ पे जोड़ते हैं। और बात रहा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैंक जो है इंटरेस्ट पे भी GST अमाउंट लेता है, तो देखो बैंक जो है इंटरेस्ट पे GST अमाउंट नहीं लेता है, इसका लाइव प्रूफ मैंने आपको यहाँ पे दे दिया हूँ, क्योंकि HDFC बैंक यहाँ पे नहीं लेता, मे भी हो सकता है SBI ले ले, ICICI ले, लेकिन HDFC जो है इंटरेस्ट अमाउंट पे भी आपसे जो है GST यहाँ पे नहीं लेता है, सिर्फ 99 रुपये का प्रोसेसिंग फी लगेगा, बाकी बात जो भी आपका इंस्टॉलमेंट बना है 2166 रुपये समथिंग का इंस्टॉलमेंट बना है वही हमारा 6 महीना तक कटते जाएगा, जो कि हमारे फोन का जो है इफेक्टिव वैल्यू है वही हमको पेड करना पड़ेगा, कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पेड यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि बैंक जो EMI हमसे काट रही है वो जो है ठीक एकदम महीने के 5 तारीख को काटती है। देखिए 5 तारीख को ये पहला इंस्टॉलमेंट कटा है वो है, और फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट भी कटा वो भी 5 तारीख को कटा है। तो इससे ये क्वेश्चन भी राइज होगा कि मान के चलिए कि कोई आदमी जो है 2 तारीख को EMI बनाया, तो क्या 3 दिन के बाद ही उसका सबसे पहला इंस्टॉलमेंट कटेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मान के चलिए आप 2 तारीख समथिंग को EMI बनवाते हो तो आपका जो है नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को सबसे पहला इंस्टॉलमेंट आएगा, यानी कि 1 मंथ समथिंग का आपको वेब मिल जाता है यहाँ पे। एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपको बैंक जो है वेब कर देती है, अगर आप जो है नियरली 5 तारीख से बहुत नियरली अगर EMI बनवाते हो तो आपको 1 मंथ का जो है गैप देकर के अगले मंथ आपको इंस्टॉलमेंट भेजती है, उसके बाद आपको यहाँ पे पेड करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको एकदम समर्प कर देता हूँ, अच्छे से आसान से लैंग्वेज में समझा देता हूँ। अगर आपने जो है डेबिट कार्ड EMI बैंक से लिया है तो आपका जो इफेक्टिव प्राइस पड़ा है उस पर जो है 0% के हिसाब से पहले ही अमेजोन कट कर देता है प्राइस को, इंटरेस्ट अमाउंट को पहले ही कट करके आपके बैंक से यहाँ पे डेबिट करवाता है। उसके बाद जो है पूरा पैसा कटने के बाद उसके बाद फिर पहला इंस्टॉलमेंट जो आता है उसमें में भी बहुत सारे बैंक जो है इंस्टॉलमेंट में 99 रुपये का जो है प्रोसेसिंग फी लेता है, जैसे HDFC 99 रुपये का प्रोसेसिंग फी लिया, उसके साथ ही आपका पहला इंस्टॉलमेंट बन के आता है। लेकिन जब दूसरा इंस्टॉलमेंट कटता है, जो कि एज
वेल अमेजोन जो बना करके देता है वही इंस्टॉलमेंट कटेगा, यानी कि इफेक्टिव प्राइस जो है आपका मोबाइल फोन जितने आपने परचेस किया है या अगर कुछ भी सामान परचेस किया है वही पड़ता है, यानी कि क्लियरली है 0% में ही आपको मिल जा रहा है, डेबिट कार्ड EMI में 0% ही मिल जा रहा है। बस कोई कोई बैंक जो है GST पे भी चार्ज ले लेगा और कोई कोई बैंक जो है आपसे प्रोसेसिंग फी का भी चार्ज ले लेगा, लेकिन इससे ज्यादा कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बात ये रहा कि डेबिट कार्ड EMI लेना क्या बेस्ट है या नहीं है, क्योंकि आपको ये चीज तो पता चल ही गया कि जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं है आपको जो है डेबिट कार्ड EMI नहीं दिया जाता, क्योंकि एक बार में पूरा पैसा यहाँ पे कट होता है। तो देखिए ये चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक बार आप डेबिट कार्ड EMI जरूर बनवा लो, क्योंकि इससे जो आपका सिविल स्कोर बिल्ड होगा, क्योंकि आपने लोन लिया टाइम से पेमेंट किया तो सिविल स्कोर बिल्ड होगा। लेकिन एक भी ये भी ध्यान रखिए कि जब आपके अकाउंट से अगर मान के चलिए 15,000 रुपये अकाउंट में है, आप 10,000 का कोई सामान ले लेते हो तो 5,000 आपके अकाउंट में बनेगा, लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड EMI लेते हो तो आपको पूरा का पूरा 15,000 ही रहेगा, वो इंस्टॉलमेंट में कटेगा। तो आपके लिए ये भी बेनिफिट होगा कि पूरा का पूरा 15,000 आपके बैंक अकाउंट में सही सलामत रहेगा। अगर आप वन टाइम पेमेंट कर रहे हो तो पूरा का पूरा 10,000 कट जा रहा है तो 5,000 बच रहा है। तो उस हिसाब से डेबिट कार्ड EMI काफी ज्यादा बेस्ट है, 0% फाइनेंस में मिल जाता है तो काफी अच्छा हो जाता है। तो यही था आज की वीडियो, पूरा डिटेल में आपको मैंने समझा दिया कि डेबिट कार्ड से EMI अगर आप लेते हो तो कैसे इंस्टॉलमेंट कटता है, क्या प्रोसेसिंग चार्ज है, क्या यहाँ पे GST पे लिया जाता है, सब कुछ मैंने बता दिया। तो वीडियो अगर ज्यादा पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी फिर भी डाउट बसता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हमें मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।